तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज का माइनक्राफ्ट का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक। मुझे पता है कि कितने दिनों के बाद ये वन ब्लॉक का सीरीज आ रहा है, लेकिन अब देखो कितने सारे चेंज हो गए, कितने सारे। ये देखो आपने, मैंने कितने सारे पेड़ पौधे लगा दिए, और पांडा आ गए हैं हमारे बीच, और फॉक्स भी आ गए हैं, और उनके लिए थोड़ा बेम्बू उनको खिला दे, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने आखिर में इनको कब बेम्बू खिलाया। ओ खुद के खुद खा रहे, देखो वो पांडा। ओ ये भी खिला देते हैं, दो से बहुत सारे पांडा हो जाएंगे। चलो चलते हैं अपने, पहले आपको पोलर बियर से मिला था, क्योंकि आपको आपने तो ये वाला हाउस देख ही लिया था, क्योंकि हमने इससे पहले वाले एपिसोड में हमने अपने पोलर बियर के लिए ये हाउस बनाया था। और आज और ये ट्रेडर्स देखो किधर आके खड़े हैं। और आज की वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने वन ब्लॉक में कासल, और पीछे का व्यू देखो, इसलिए मैंने ये जगह चूज़ की, क्योंकि इधर से हमारा कासल भी ओपी लगेगा और सीन भी अच्छा होगा। चलो बनाते हैं। और आप सोच रहे होंगे ये मेरे पास ब्लॉक किधर से आए, तो देखो ये वन ब्लॉक में मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो आप। सिर्फ महंगे महंगे ब्लॉक सिर्फ हमको इधर खड़े रह के तोड़ने का है, और ये सब हमको सी लेंटन, और कितनी सारी मेरे पास तो ढेर सारी पड़ी, आपको दिखाता हूँ, चेस्ट में रखी है मैंने। और ये अपने एनिमल्स, ये तो आपने सब देख ही लिए थे, और ये अपने स्टोन ब्रिक्स जो अगले वाले अपने हमने हाउस बनाया था पोलर बियर का, तब बच गए थे वो वाले स्टोन ब्रिक्स भी इधर है। और ये सारे हमारे कीमती स्टोन्स, और इससे ही बनाने वाले हम अपना आज का कासल। इसको तोड़ ही देता हूँ, इसलिए डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा। चलो इधर मैंने अपना पूरा सामान भी ले लिया, अब शुरू करते अपना कासल बनाने के लिए। उससे पहले मैं जो बाकी बच रहे वो बेम्बू भी अपने पांडा को खिला देता हूँ। ये लो पांडा जी, खा लो। अरे ये वाले को खिलाए नहीं, कि पेट भरा हुआ है दोनों का। इधर छोड़ देता हूँ, अपने आप खा लेंगे। और देखो अब मैंने सेडर्स भी हटा लिए, मुझे लगा इतना ब्राइट क्यों लग रहा है, फिर मैंने देखा कि मैंने सेडर्स ऑन पड़े थे। और चलो अब बिना वक्त गवाए अपने पोलर बियर का हाउस भी देखो, वो आपने सेडर्स में देखा था बिना सेडर्स के देख लो। और ये हमारा डोगी जो आज हमारी रक्षा करने वाला है। आजा डोगी, किधर है गए, आजा इधर बैठ जा, और इधर से हमारी रक्षा करना। और इधर से पहले मुझे डेजर्ट बायोम का, और ऐसे अलग अलग बायोम्स की सारी चीज़ें मिलने लगी थी। उसमें मुझे ये भी मिला था ब्रूइंग स्टैंड, इसका क्या यूज़ है मुझे नहीं पता। चलो शुरू करते हैं अपने, पहले इधर हमेशा इधर से पहले अपना, इस बार हम पहले अपने कासल का वॉच टावर बनाएंगे, और इधर 4x4 का बनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरा बना लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। और इधर पहले नीचे की बाउंड्री बना लेते, रुको इससे तो थोड़ा आगे बना लेता हूँ, अच्छा इधर अच्छा है, ओके इतनी बाउंड्री बन गई, ये भी निकाल देता हूँ। और फॉक्स को देखो वो किधर चढ़ के बैठा है, और इधर ये वाला ब्रिक्स नहीं, वो हमारा जो प्रिज्मरिम ब्रिक्स है ना, वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे अच्छी लुक आती है, उससे करेंगे। और इधर से शुरू करते हैं अपने प्रिज्मरिम ब्रिक लगाने, 1 2 3 4 5, ओके इतना हो गया। अब इसको आगे ले जाते हैं, 1 2, अरे लग जा भाई साहब, 3 और नीचे गिर गया, इधर से 1 2 3 4 5, ओके हमारी फ्रेम तो रेडी हो चुकी। इसी तरह हमको 4 और करनी है, वो करते हैं पहले, ओके तो हमारी टावर का 4 और की फ्रेम बन गई। अब बीच में हमको डालने हैं स्टोन, वो रखेंगे हम डार्क प्रिज्मरियम, 1 2, अरे लग जा भाई साहब, अरे इसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और इधर से अपनी अरे ये गलत लग गया, इसको निकालो, मैं पिकेक्स लाया हूँ, मुझे लगा डायमंड की पिकेक्स ही भूल गया। और इधर हमारी टावर की अंदर की भी फ्रेम हो गई, ऐसी की ऐसी हमको 4 और करनी है, और इधर तो छोटी होगी, ओके। तो गाइज मैंने डार्क प्रिज्मरियम से अपनी चारों तरफ की अंदर की बॉर्डर भी कर दी। अब क्या करने है? हम लगाएंगे अपनी स्टेयर्स, और स्टेयर्स से तो आपको पता है अब आगे क्या होने वाला है, ओके इधर चलते हैं पहले ऊपर। और मैंने चारों ओर की स्टेयर्स भी लगा दिए उल्टी करके, अरे मतलब वे उस तरफ से उल्टी, वैसी वाली उल्टी नहीं। इधर से पहले अपने वाटर भी ले लेता हूँ, और इधर भी कौन से वाले ब्लॉक लगाओ इसके ऊपर,
जो हमने अपने कासल में डिजाइन बनाई थी ना, वही डिजाइन इधर बनानी है। ये अच्छे नहीं लगेगा, इससे अच्छे जो स्टोन ब्रिक्स के थे ना वही लगाते, क्योंकि वही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये लुक भी अच्छा दे रहे। अरे यार, ये गलत लग गया और नीचे भी गिर गया मैं, क्या किस्मत है मेरी। चलो वापस से ऊपर जाते हैं। और अरे 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 अरे, शेडर्स हटा दिए फिर भी ये हो रहा है, पता नहीं क्यों क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। इधर से लग जाएगा, लग गया लग गया। अरे यार, इधर तो स्टेज लगाना ही भूल गया, इधर भी लगा देते हैं स्टेज। और हाँ गाइस, मैंने इधर थोड़ी गलती की थी, मैंने 3 की जगह इधर 4 का लाइन बना दिया था, इसलिए मुझे पूरा टावर फिर से बनाना पड़ा। और अब आप देखो कितनी तगड़ी लुक आ रही है। और छोटा इसलिए बना है क्योंकि अब धीरे धीरे पता चलेगा कैसा कासल बनने वाला है। और आपको इतना ये वॉच टावर कैसा लगा कमेंट में बताना, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो कर देंगे हम। और ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है उसमें हम अपने सी लेंटर लगाएंगे, वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है। अब बनाते अपने आगे की बॉर्डर, इधर से 1 2 3 4 और बीच में आएगा हमारा स्टोन ब्रिक्स। अरे 1 2 3 और 4, ओके 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 ओके। और इसके बीच में आएगा अपने स्टोन ब्रिक्स की थोड़ी वॉल, और बाद में फिर से अपने डार्क प्रिज्मरियम 1 2। पहले देखना पड़ेगा कौन सा सेंटर ब्लॉक है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा नीचे। ओके ओके, ये है हमारा सेंटर ब्लॉक। और सेंटर ब्लॉक चूज करने के लिए हम अपने अलग ब्लॉक लगा देते हैं, इसलिए पता तो चलता रहे कि ये हमारा सेंटर ब्लॉक है। मुझे इधर 1 2 3, ओके। तो गाइस, मैंने दोनों तरफ के वॉच टावर भी रेडी हो चुके। ओके तो गाइस, अब मैंने वॉल में थोड़ी गलती कर दी है, उसको पहले ऐसे ही कर लेते हैं। इधर मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि हम इसमें कोई भी टॉर्च नहीं लगाएंगे, इसमें हम अपने इस वाले कासल में एक भी टॉर्च नहीं लगाने वाले। वो क्यों, वो भी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इसमें हमारे पास काफ़ी सारा, मतलब ढेर सारा सी लेक्टन पड़ा है, बाद में हम टॉर्च क्यों लगाए। इसलिए जो ये बीच बीच में जगह दिख रही है उसमें पहले मैं अपने वो स्टोन मतलब प्रिज्मरियम ब्लॉक लगाऊंगा, और उसके बाद मैं सी लेक्टन लगाऊंगा। और इधर जो इधर को भी हटा देता हूँ, ये मोसी ब्लॉक की भी लगाई थी गलती से इधर। अरे ये अच्छा, इधर भी स्टोन ब्रिक्स की वॉल, और ये भी हटा देता हूँ, इधर भी स्टोन ब्रिक्स की वॉल आएगी, क्योंकि वो दिखने में भी थोड़ी गंदी दिख रही थी। अब देखो जो वॉच टावर की थीम है उससे मैच भी हो रही है। अरे यार, ये गलत ब्लॉक लग गया। और देखो इधर आएगी हमारी सी लेक्टन, और इधर दोनों तरफ 4 4, और बीच में हमारा ओपन डोर आएगा, और इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि डोर के बीच में ये आएगा। इधर आएगी हमारे स्टोन ब्रिक्स के 2 ब्लॉक, और इधर भी हमारे ये हटाना पड़ेगा। इधर भी आएगी हमारी स्टोन ब्रिक्स की 2 वॉल, और मुझे स्टोन, अरे अच्छा 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 है, मुझे लगा है नहीं ये स्टेज। और इधर मुझे लगानी पड़ेगी स्टेज, इसलिए इधर भी स्टेज आएगी, और इधर भी ऊपर जाके हम स्टेज लगा देंगे। अरे लग जा भाई, लग गई लग गई। और इसके ऊपर चलते हैं, अब सीधा उधर ब्लॉक लगाना होगा। अच्छा, इधर ब्लॉक और इधर ब्लॉक, इधर ब्लॉक लग गया। अब इधर स्टेयर्स और जंप मार के उस साइड पे, और इधर स्टेयर्स, और बीच में आएगी हमारी स्टोन मस्ट स्टोन। अरे भाई साहब, इधर सी लेक्टन लगा देता हूँ। ओके, मतलब अभी पूरा डोर रेडी नहीं हुआ, रुको रुको ज़रा सब्र करो। ये ब्लॉक हटाता हूँ, और इधर भी उल्टी स्टेयर्स, मतलब उल्टी स्टेयर्स, और इधर भी उल्टी स्टेयर। ओके, अभी भी थोड़ा बाकी है। इधर एक स्टेयर और क्राउच करके लग जाएगी अलग के अलग। इधर भी जो सामने वह किया था वही करेंगे। ओके, पूरी रेडी हो चुकी। एक कबाड़ को भी हटाऊं। ओके, पीछे चल के दिखाता हूँ आपको हमारा कासल कैसा दिख रहा है। अभी तो सिर्फ हमारा आगे का हुआ, अभी पीछे का तो कासल का भाग आप देखोगे इसी बनेंगे पीछे का लुक। तो पहले मॉर्निंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। ओके, इधर मॉर्निंग भी हो गई, अब चलते हैं अपने आगे का काम शुरू करते हैं। और अंदर से भी लुक ऐसा ही, अंदर से या बाहर से लुक तो वैसा ही रहने वाला है। अब शुरू करते हैं अपना जो सबसे बड़ा रूम होगा उस पे, और उसको भी मैं थोड़े बाहर से हमको अलग दिखेगा और अंदर से हमको अलग दिखेगा,
वो आप देखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 6 61 है, पहले देख लेता हूँ इधर ब्लॉक, और फिर से वो पहले वाली गलती न कर बैठू। ओके 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 7 ब्लॉक्स, अब ये बाद ये वाले ब्लॉक भी हटा देता हूँ। अब इसी तरह हमको चार और करना है। ओके इधर हमारे वॉच टावर की बाउंड्री बन चुकी है, ये आखिरी ब्लॉक है। और इधर अब क्या, अब हमको कुछ नहीं करना, जो आगे वाले छोटे छोटे हमने वॉच टावर बनेंगे वैसे कि वैसे हम पीछे भी ऐसी पीछे इससे भी बड़े वॉच टावर बनाएंगे, मतलब एक ही बनेंगे। इसकी थोड़ी हाइट और थोड़ी लंबाई में हाइट और पौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी। अब सीधा नीचे जाना पड़ेगा और ओके थोड़े पीछे जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ थोड़ा और ऊंचा करने की ज़रूरत है, वो भी कर लेते हैं। ओके गाइस तो हमारा पूरा कासल रेडी हो चुका है, अब सिर्फ हमको इधर एक स्टेयर्स लगानी है, वो भी लगा लेते हैं इधर 1 2 3। इसमें अब मेरे धीरे धीरे माइनक्राफ्ट की स्पीड भी बढ़ रही है, क्योंकि अब हम प्रो हो चुके हैं थोड़े थोड़े माइनक्राफ्ट के। इधर पहले मैं स्टेयर्स बना लेता हूँ, इधर इतनी स्टेयर्स थोड़ी और बना लेता हूँ। किधर हमारे पास तो काफ़ी सारे ब्लॉक पड़े हैं, चलो इसको जाके लगा दें। अभी नहीं दिखाऊंगा, पूरा बन जाएगा उसके बाद ही दिखाऊंगा। ओके और इसके बीच में आएंगे हमारी ग्लासेस, वो भी लगा देते हैं। ग्लास मैं लेके आया हूँ, लाया हूँ। ओके अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने 1 ब्लॉक का कासल, 1 2 और 3। देख लो हमारा 1 ब्लॉक का कासल कितना अच्छा लग रहा है, कितना। ओके अब पीछे जाके आपको दिखाता हूँ कितना अपना कासल ओपी दिख रहा है। ओके मतलब क्या तगड़ी लुक आ रही। कमेंट में बताना आपको कैसा लगा ये कासल, मतलब मुझे तो एक नंबर लगा। ओके अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना पूरा कासल रेडी हो चुका है, और देखो आप सिर्फ देखो क्या ही जहर लुक आ रही है। पहले क्या था, मैंने बॉनफायर नहीं लगाया था इसलिए मतलब वो कासल वाली वाइब्स नहीं आ रही थी, और अब मैंने बॉनफायर भी लगा दिया, और ये देखो आप सिर्फ ग्लास के साथ रेडी हो चुका है, और ये देखो अपना कासल चारों ओर से एक नंबर लग रहा है। और ये जो आपको पीछे दिख रहा है उसके ऊपर हम चल भी सकते हैं, इसलिए मैंने बनाया कि चारों ओर का नज़ारा भी मिलते रहे और अपना कासल भी हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा अलग करने की सोची। और इधर से देखो आप, इधर से लुक देखो आप सिर्फ लुक देखो, और अपना पोलर बियर का हाउस भी कितना प्यारा लग रहा है, और पीछे का अपना जंगल मतलब कस्टम जंगल हमने अपने आप हाथों से बनाया है। ओके तो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।